क्यूट क्यूट से हैंडमेड बैग्स भी हैं। फैसल ने भी अपनी कैप पहन ली है, बड़े क्यूट क्यूट किस्म के ड्रेसेस, गले में एक पंखा बंधा डाल के घूमना शुरू कर दे। नहीं, पार्टी नहीं शुरू हुई, शॉपिंग शुरू हुई है। और अगर थक जाए तो यहाँ पे आप मसाज भी करवा सकते हैं। यार ये कौन लोग हैं, पूरे के पूरे मगरमच्छ को इन्होंने छील दिया है। हाँ जी, तो फिर आज कहाँ जा रहे हैं? अपने मियाँ को ना कभी भी फोन नहीं देना चाहिए, कैमरा नहीं देना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। हम जा रहे हैं चटाचुक मार्केट। अब पता नहीं उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन एक्चुअली द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन बैंकॉक। एंड बैंकॉक में हर वक्त इतना शोर होता है, सो हेंस द शोर। तो आज हम जाएंगे चटाचुक मार्केट, और ये यूजुअली सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ऑन होती है। खाने पीने को भी वहाँ पे बहुत सी रोड साइड टाइप चीज़ें मिलती हैं, और उसके साथ साथ जो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि मतलब थाई सिल्क भी मिलता है, ड्राइड फ्रूट मिलता है, एंटीक्स मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, बच्चों की बड़ों की चीज़ें, एक्सेसरीज। सो आई एम गोना गो चेक इट आउट। तो चले चलते वीकेंड मार्केट। ये एक बहुत पॉपुलर टूरिस्टी स्पॉट है, और ये है भी पीक टूरिस्ट सीजन। जनवरी और एक्चुअली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तीनों बहुत अच्छे टाइम होते हैं बैंकॉक आने के, क्योंकि गर्मी तो होती है। वो देखें, वहाँ फैसल भी खड़ा हुआ है, और अब जाके मैं आपको दिखाती हूँ वेरियस डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे क्या क्या मिलती है। आई मीन इट इज़ अमेजिंग, दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, थाई लोकल प्रोडक्ट से लेके हर किस्म की चीज़। अब आप मेरी तैयारी देख लें, राइट? टोपी, बिकॉज डायरेक्ट धूप पड़ती है, सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, और हैंड बैग है मेरे पास, लेकिन मैंने हैंड बैग अपना होटल में छोड़ा है, और मैंने बैक पैक लिया है, और वो बैक पैक जो हर तरफ से जिप होता है, और साथ में एक ठंडी पानी की बोतल। इस तैयारी के साथ निकलना है, एंड ऑफ कोर्स यूज़ द बाथरूम बिफोर यू लीव, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम आपको साफ नहीं मिलना। सो आए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चटाचक वीकेंड मार्केट में क्या क्या मिलता है। और बाय द वे, सैटरडे और संडे को, हफ्ते को और इतवार को ये मार्केट जो है ये ओपन होती है पूरी तरह से। बाकी हफ्ते भी होती है, लेकिन प्रॉपर एक एक दुकान जो है वो सैटरडे और संडे को खुलती है, और आज सैटरडे है। तो चले देखते हैं। एंटर होते ही आप देखें, जूते भी हैं, क्यूट क्यूट से हैंडमेड बैग्स भी हैं, सस्ते सस्ते कपड़े भी हैं, टी शर्ट्स वगैरह, मतलब पजामाज हैं, फंकी टॉप्स भी हैं, और आप ये देखें 100-100 baht के हैं, सो दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। एक्चुअली शॉपिंग इन बैंकॉक, अगर आप लोकल शॉपिंग करते हैं ना, तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। अब ये फॉर एग्जाम्पल बहुत ही मज़े के आउटफिट्स होते हैं। मेरी एक दोस्त है आयशा लारी, उसने मुझे कहा है कि उसको बैंडानास चाहिए, तो अब मुझे बैंडानास जो सर के ऊपर जैसे टाकी जैसे नहीं मानते वो, तो अब मैंने बैंडानास ढूंढने हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे बड़े मज़े मज़े की भीड़ मिलती है। वो देखे ना, छोटे से क्यूट क्यूट से ड्रेसेस, ये नूर बानों के लिए बड़े क्यूट सी आइडियल सी चीज़ है। यू नो आई मीन देयर समथिंग फॉर एवरी वन इन दिस मार्केट, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी कूल। और यू नो, जिस तरह अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप सही किस्म की चीज़ नहीं लेके आए हुए, तो बैक पैक्स वगैरह भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। फैसल ने भी अपनी कैप पहन ली है, क्योंकि वो भी बेचारा मान गया है कि गर्मी में सड़ने से बेहतर है। ओके, ये मैंने आपको दिखाना है, जब आप जा रहे होते हैं मतलब आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो दीज आर वेरी वेरी कूल थिंग्स, लाइक लोकल थाई प्रोडक्ट्स, सेरामिक के बने हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से, यू नो, विंड चाइम्स हो गई, इस किस्म की चीज़ें हो गई। सो जब इस तरह ट्रैवल करते हैं, तो लोकल चीज़ें एक तो ख़रीदना बड़ी अच्छी बात होती है, और उसके साथ साथ यू नो, आप उनकी टूरिज्म की इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड उसके साथ मतलब ऑब्वियसली जो टिपिकल दुकानें जो पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा वगैरह में होती हैं, उधर जाने का क्या फ़ायदा, थाईलैंड आए हैं तो थाई चीज़ें लें। नूरबानों के लिए आप कुछ खरीदते हैं, हाई डू यू हैव एनीथिंग फॉर इन 4 to 5 years साइज फॉर माई डॉटर? या Yeah, I can come inside. Okay. How about this? Very, very cute. Something that's Thai, that you know, that looks like it's from Bangkok. अभी देखिए ना, cute, cute summer dresses हैं। नूरबानो है तो माशाल्लाह 3 साल की, but माशाल्लाह से she wears
चार से पाँच साल के बच्चे का साइज, तो उस हिसाब से मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। ये देखें, बड़े क्यूट क्यूट किस्म के ड्रेसेस, नाइस फॉर द समर। अपने लिए भी अगर इंसान ने पैंट्स लेनी हो तो ये बड़ी कंफर्टेबल है। मतलब मटेरियल ज़रूर चेक करके लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप चीज़ ले लेते हैं और वो फिर वैसी नहीं होती दैट यू आर होपिंग। इस सड़ती गर्मी में मुझे अब यही एक बेहतर ऑप्शन लग रहा है, गले में एक पंखा बंदा डाल के घूमना शुरू कर दे। अच्छा, एक और चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि ये तो ओरिजिनल एंड लोकल ब्रांड है, राइट, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं जो नकली भी होती हैं, लाइक मतलब उसके ऊपर इम्पोर्टेड ब्रांड्स के लोगोज लगे हुए होते हैं लेकिन एक्चुअली वो फेक होती हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली, ये तो फिर भी एक कम रश वाली गली है। जो दूसरी गली जिसमें मैं खड़ी हुई थी, जब मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, तो लोग इतने थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। सो यू नो, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब ऑब्वियसली ये असल में तो गुच्ची की बेल्ट्स नहीं हैं और ना ही तरगामों की, बट आपको इस किस्म के जो हैं चीज़ें मिल जाती हैं। व्हाट इज़ फनी इज़ दैट, मतलब आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाती है और साथ साथ खाने पीने की भी मज़े मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे कि मिल्क टी बड़ी इनकी फेमस होती है, बहुत मज़े की होती है। ये इनका एक टिपिकल प्रिंट है। चले जी, एक हसन के लिए इस टाइप का मेरे ख्याल से छोटा आउटफिट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लोकल भी बहुत इनकी क्यूट चीज़ें होती हैं। अब देखिए ना, हैंड क्रोशे मतलब क्रोशे के बने हुए की चेन्स हो गए, मतलब अगर आपने गिफ्ट्स लेके जाने हैं तो दीज आर वेरी क्यूट मोमेंटोज, राइट। छोटे छोटे से चेंज पर्स के लिए, छोटी सी हैंग करने के लिए चीज़ें, यू नो देर इज़ अ वराइटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। छोटे छोटे खिलौने बच्चों के लिए, मतलब 290 भाट के, ऑब्वियसली अगर आप थोड़ी सी निगोसिएशन करेंगे तो छोटा सा डेकोरेशन का चीज़। आई मीन इट जस्ट डिपेंड्स के आपको क्या पसंद है क्या नहीं। अगर छोटी बच्चियाँ हैं घर के अंदर तो उनके लिए छोटा सा इस किस्म का बैग अगर ले जाएँ तो वेरी क्यूट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड मतलब ये खातून जो है ये खुद बनाती हैं जो बैठी हुई हैं। सो यू नो देयर्स लाइक आई सेड, मतलब देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू गाइस कैन बाय। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट दुकान है जहाँ पे ये शर्ट्स बिक रही हैं। और ये ज़रा मतलब यू नो, अब यहाँ पे मैं हमजा के लिए देखूँगी। हाई, डू यू हैव एक्सेल साइज? इज हियर, ओके। अब हमजा के लिए शर्ट्स में साथ साथ देख लूँगी। सो द फैक्ट इज़, एक पास से आप अपनी छोटी 3 साल की बच्ची के लिए कुछ देखें तो दूसरी साइड पे आपको अपने बेटे के लिए कुछ मज़े का मिल जाता है। सो यू नो इट वर्क्स वेल। भाई, अपनी तरफ से आपको एक व्यू देना चाह रही हूँ। थोड़े से लोग कम हुए हैं तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। एंड हेलो फैसल, एंड एज यू कैन सी फैसल ने अब मेरी टोपी पहन ली है, क्योंकि मैंने कहा एक सेकेंड टोपी पकड़ लें। तो आई मीन बहुत बड़ी मार्केट है और बड़ी मज़े की मार्केट है। बट आई मीन अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ लेना चाहते हैं तो मॉल शॉल भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक MBK मॉल है, वहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इस किस्म का मतलब मेरे ख्याल से जगह जो है वो एक एक्सपीरियंस होता है। ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पे ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, ये फुट पैच है इनका। उसके अलावा ये सांस के लिए ना, मतलब लिप बाम भी हैं इनके, फिर ब्रीद करने के लिए, इनहेल करने के लिए, ये जिस तरह हम लोग विक्स करते हैं यूज़। अच्छा, इनका ये जो है सी वीड ड्राइड बड़ा ही पॉपुलर है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स एज वेल। फिर कैशू नट तो मिल ही जाते हैं काजू पाकिस्तान से, लेकिन टॉम यम फ्लेवर्ड। देन देयर इज दिस अमेजिंग ड्राइड फ्रूट लाइक मैंगो है, कीवी है, देर आर सो मैनी डिफरेंट फ्रूट्स, फ्लेवर्ड भी हैं, अनफ्लेवर्ड भी हैं। मतलब आप देखें कि देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स टू ईट ओवर हियर दैट यू कैन इन्जॉय। एंड देन ऑफकोर्स यू नो कोकोनट चिप्स हो गए। तो मतलब अगर तोहफे आपने लेके जाने हैं यूनिक टू थाईलैंड तो आप वो लेके जा सकते हैं। फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरीज भी हैं। एंड देन इनके ये जो राइस क्रैकर्स होते हैं बहुत ही मज़े के होते हैं, बट ऑब्वियसली ध्यान से कि वो वाला लें जिसके अंदर पॉक नहीं है ऑब्वियसली, और जो हलाल की कैटेगरी में आता है। देन ये सी वीड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हमजा का भी बहुत फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो दीज आर लाइक लोकल ट्रीट्स जो आप लेके जा सकते हैं। इस तरह के पैकेट भी मिलते हैं जिनमें इंडिविजुअल होते हैं, तो अगर आपने किसी को गिफ्ट पैक बना के देना है तो आप उस तरह भी बना के दे सकते हैं। ड्राइड फिश भी है, जैसे कि ये देखें, ये ड्राइड क्रैब है, उसके अलावा ड्राइड श्रिम्प्स भी हैं, वेरियस किस्म की फिश भी हैं। सो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि किस किस्म की चीज़ें आप लोग लेके जा सकते हैं अगर आप थाईलैंड आएंगे। अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं और फैसल मेरे साथ कोई ख़ास खुश नहीं है, क्योंकि थैला भी पकड़ा दिया है और बैकपैक भी फुल हो गया है और मेरा भी बैकपैक फुल हो गया है। और अभी तो वो जो कहते हैं ना,
शॉपिंग शुरू हुई है, नहीं पार्टी नहीं शुरू हुई, शॉपिंग शुरू हुई है। मैंने ये पहले खाई हुई है एंड एज यूजुअल फैसल मेरी बात नहीं मान रहा और मैंने कहा है कि ये मत लो, बट वो कह रहे हैं कि मैंने लेना है। मतलब अजीब कुछ स्लाइमी सा इसका जायका होता है, लेकिन चलो ले लें। जैसे हमारी पंसारी की दुकानें होती हैं तो वैसे इनके पास भी इस तरह की वेरियस हर्ब्स वगैरह की चीज़ें होती हैं। ये देखें, इट्स एक्चुअली क्वाइट कूल, लेकिन खैर आई थिंक ये हर्ब्स से ज़्यादा फूल हैं, तो अगर आपने ये उगाने हैं तो आप इसकी बल्ब्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। लाइक आई सेड, यू कैन प्रीटी मच गेट एनीथिंग ओवर हियर। मिस्टर नकवी, थम्स अप या थम्स डाउन? ओके, आई गेस आई वॉज रॉन्ग। वैसे बड़ी रेयर बात है कि बीवी गलत हो। बच्चे इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं खाने पीने की चीज़ों के बारे में जितना फैसल और मैं होते हैं। अब ले लिए वो और अब ख्याल आ रहा है कि आइसक्रीम ले लेते तो कितना बेहतर होता। अच्छा, आई लव ड्रीम कैचर्स और वेरियस शेप्स एंड साइजेस के। अब मतलब इस तरह का अगर प्यारा सा बंदा नूर के कमरे के लिए इस किस्म का ले लूँ तो बड़ी मज़े की प्यारी सी, और इसको ड्रीम कैचर कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें आपके बुरे ख्वाब जो हैं वो इसमें जो हैं वो ये रोक लेता है अपने इस जाल के अंदर। सूवनियर्स की बात करें तो ये बड़े ही पॉपुलर सूवनियर्स हैं। मैं पिछले 10-15 सालों से आ रही हूँ बैंकॉक और ये हमेशा जो है ना इस तरह की चीज़ें लेके गई हूँ वापस, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा एक क्यूट सा कन्वीनियंट सा गिफ्ट बन जाता है और इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव आइदर। और अगर थक जाएँ तो यहाँ पे आप मसाज भी करवा सकते हैं। लो जी, मिस्टर नकवी की ईद हो गई, थैलों पे थैले पकड़े हुए हैं, लेकिन किताबें जहाँ नज़र आई उनसे इज्तनाब ना किया गया। और अब दिस इज़ लाइक आई थिंक इट्स एन ओल्ड बुक शॉप, एक ज़माने में बड़ी हुआ करती थी पाकिस्तान में भी, लेकिन इट्स गुड टू सी के थाईलैंड में भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यू करता है ओल्ड बुक्स एंड मतलब जो आप ख़रीद सकते हैं आके। यार ये कौन लोग हैं, पूरे के पूरे मगरमच्छ को इन्होंने छील दिया है। आई मीन दैट्स एक्चुअली फ्राइटनिंग एंड अपसेटिंग एंड सीरियसली क्रूअल। लाइक ये देखें, इट्स एन एक्चुअल मगरमच्छ दैट दे हैव कलर्ड। लाहौर में शालमी वाली फील्स आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि यहाँ पे भांडे बर्तन नहीं मिलते हैं। इट्स एक्चुअली क्वाइट कूल एंड मतलब आप देखें ना इस साइड पे इनके रोड साइड खाने की चीज़ें हैं। अब ये बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं, लाइक फ़िश बॉल्स हो गए, बट अगेन पूछें क्लियर करें कि कौन सी चीज़ जो है। अब ये देखें ना एंशंट इनके पैनकेक्स जैसे हैं एंड देन वेरियस डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, बट यहाँ पर आपने एहतियात करनी है कि आप चिकन खा रहे हैं या कहीं गलती से आप पोर्क तो नहीं खा रहे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर दैट यू क्लैरिफाई कि ये पोर्क है कि नहीं है। सो प्लीज़ जब रोड साइड खाएं तो सी फूड पर अपना फोकस रखें, और वैसे भी रोड साइड पे इनकी खाने वाली मज़े की चीज़ सी फूड ही होती है। सो जस्ट बी केयरफुल एंड मेक श्योर कि जो भी खाएँ वो सी फूड रिलेटेड ही हो। लो जी, पाकिस्तान में जिस तरह फूलों के हार बनाते हैं शादियों पे, इधर पे भी वही सिस्टम होता है, लेकिन ये आई थिंक कागज़ के फूल हैं। फैसल ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे मार्केट कैसी लगी। मार्केट की कुछ शालमी टाइप फील्स है लेकिन इट वाज वेरी नाइस, हैड अ लॉट ऑफ फन। लेकिन ये वो वाली जगह है जहाँ पे आप एक ही दफ़ा एक ट्रिप पे आते हैं, बिकॉज बहुत शदीद गर्मी, पसीने, बाल एक्सप्लोड कर गए हैं। और अब कोकोनट वाटर, जो बाय द वे आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो पी के फिर हम आप वापस होटल चले जाएंगे। मैंने 2-3 जगह पे पढ़ा कि 4 घंटे रखने चाहिए मिनिमम यहाँ पे शॉपिंग के लिए, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं ढूंढ रहे तो घूम तो आप सारा दिन भी सकते हैं, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक जब तक मार्केट खुली है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 1.5-2 घंटे में इंसान की बस हो जाती है, और स्पेशली जब इतनी गर्मी हो।
अगर सुबह राइट जब खुलने का टाइम है 9 बजे आए तो वो एक बेहतर ऑप्शन होता है, बिकॉज उसमें फिर ये होता है कि एटलीस्ट आप जो है इतनी गर्मी में नहीं चीज़ें ले रहे होते। अब तो इतनी गर्मी है एज पर टाइम 3 बज रहे हैं और तपती गर्मी है, तो अब हम जा रहे हैं, हमने कोई 2.5 घंटे गुजारे हैं। आप